आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हीटर दे रखा है जिसकी हमें पावर रेटिंग दे रखी है कि 100 वोल्ट होगा जब उसके अक्रॉस 100 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई होगा। नाउ अब क्या हो रहा है कि वो जो हमारा हीटर है वो हमें एक रेजिस्टेंस 100 एंड रेजिस्टेंस, तो हमें इस सर्किट में उस हीटर को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसकी जो मेन सप्लाई हमें क्या गिवन है, मेन सप्लाई हमें गिवन है 100 वॉट, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर सो दैट द हीटर ऑपरेट विद अ पावर ऑफ 62.5 वोल्ट। तो हीटर की जो रेटिंग है वो कितनी है, हीटर की जो रेटिंग हमको दे रखी है, हीटर की जो रेटिंग दे रखी है वो है 1000 वॉट 100 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारी क्या स्टैंडर्ड रेटिंग है। जब स्टैंड इससे हम क्या काम करेंगे, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, तो इससे हम इसकी रेसिस्टेंस निकाल देंगे, किसकी, हीटर की। तो रेसिस्टेंस ऑफ हीटर वो निकल के आ जाएगी हमारी वी स्क्वायर ओवर पी, ठीक है। वी स्क्वायर कितना है, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय पावर कितना है, 1000 वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपका, तो रेसिस्टेंस निकल के आ जाएगी उस हीटर की 10 ओम। तो 10 ओम हमारी क्या हो जाएगी, रेसिस्टेंस हो जाएगी इस हीटर की, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हमें पता चल चुका है रेसिस्टेंस। तो अब देखो हो क्या रहा है, जो हमारा हीटर है उसकी कितने पावर पे वो ऑपरेट कर रहा है उस सर्किट में, जब हमारी 100 वोल्ट मेन पावर सप्लाई है, तो वो है हमारी 62.5 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है। तो मतलब हमको पावर दे दिया कि वो इतने पावर पे ऑपरेट कर रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से उसकी करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे कि कितने करंट उससे फ्लो करेगा जबकि वो इतने पावर पे ऑपरेट कर रहा होगा। तो आई स्क्वायर हमारा आ जाएगा पावर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, तो वो जाएगा 62.5 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा जो आई की वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी अंडर रूट ऑफ 62.5 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा जो आई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5 एम्पीयर। तो इतना अमाउंट ऑफ करंट उसके थ्रू फ्लो करेगा। अब देखो होगा क्या, अगर आप सर्किट को देखोगे तो अब देखो हमारे पास क्या फाइंड आउट हो चुका है कि हीटर से जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो होगा 2.5 एम्पीयर और इसकी जो रेसिस्टेंस है वो है हमारी 10 ओम। तो हमें क्या पता चल जाएगा इससे कि पोटेंशियल अक्रॉस हीटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर एच इंटू करंट अक्रॉस द हीटर, तो वो हो जाएगा हमारा 25 वोल्ट। तो इस बी और सी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी बी सी हमारा हो जाएगा 25 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है इस दो पॉइंट के अक्रॉस वो हमारे दे रखा है 25 वोल्ट और हमने मेन पावर सप्लाई में कितना पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, 100 वोल्ट। तो 25 इधर ड्रॉप हो गया, किसके अक्रॉस, हीटर के अक्रॉस। तो पोटेंशियल अक्रॉस 10 ओम रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, बचा हुआ जो पोटेंशियल होगा वो होगा 75 वोल्ट। तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि करंट थ्रो टेन ओम रेसिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, हमें पोटेंशियल पता है अक्रॉस 10 ओम रेसिस्टेंस वो है 75 वोल्ट, ठीक है। उसका रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो कर जाएगा आपका 7.5 एम्पीयर। तो अब देखो अगर फिर से अगर आप सर्किट को देखोगे तो इस सर्किट में हमारा जो करंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7.5 एम्पीयर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो इधर से जा रहा होगा 7.5 एम्पीयर और इस हीटर के हीटर में कितना करंट जा रहा है, हीटर में जा रहा है 2.5 एम्पीयर करंट। तो मतलब कि जो बचा हुआ जो करंट है वो आर रेसिस्टेंस में जा रहा होगा जो कि कितना होगा, 5
एम्पेयर। ठीक है, तो हमें पता चल चुका है कि रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 5 एम्पेयर। करंट की वैल्यू हमें पता चल गई उस रेसिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, वो है हमारा 25 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, उस रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हो जाएगी वी आर डिवाइडेड बाय आई आर, तो हो जाएगी हमारी 25 डिवाइडेड बाय 5, विच इज इक्वल टू 5 ओम। तो ये हमारी रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।